Hey guys, it's Trisita and welcome back to my channel. So, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लीन गर्ल मेकअप की मेरी जो वर्शन है वो शेयर करने वाली हूँ. सो राइट नाउ ये क्लीन गर्ल मेकअप ना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है. सब लोग शेयर कर रहे हैं अपने अपना जो वर्शन है एंड दिस इज माई वर्शन ऑफ क्लीन मेकअप. सो मुझे ना ये आइडिया बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये जो मेकअप लुक्स है ना बहुत सिंपल होता है, बहुत नेचुरल होता है एंड लाइट होता है. सो आई होप आप लोगों को ये लुक अच्छी लगेगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सो लेट्स स्टार्ट विद द फाउंडेशन. यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन की ऑयल कंट्रोल लिक्विड फाउंडेशन जिसकी कवरेज बहुत लो है उसे यूज किया है. तो इस लुक के लिए आपको कोई भी लो या फिर शेयर कवरेज की जो फाउंडेशन होती है ना उसे यूज करना है. एंड अगर आपको लगता है आपकी फाउंडेशन की जो कवरेज है थोड़ा सा ज्यादा है, आप लोग उसके साथ थोड़ा सा कोई भी मॉइस्चराइजर मिक्स कर लो एंड उसकी जो कवरेज है ना इंस्टेंटली शेयर या फिर लो हो जाएगा. एंड इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज किया है ताकि जो लुक है और भी ज्यादा नेचुरल एंड स्किन लाइक आए. एंड आप देख सकते हो मेरा जो फेस है वो बहुत ज्यादा नेचुरल लग रहा है, बिल्कुल भी हेवी कवरेज नहीं है. इसके बाद मैंने एक कॉम्पैक्ट को यूज किया है मेरे अंडर आईज को एंड आईलिड को सेट करने के लिए. मैं पूरे फेस को यहाँ पे सेट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आई एरिया को एंड माउथ एरिया को ही सेट करूंगी. एंड ये जो कॉम्पैक्ट है ना ये फिटमी कॉम्पैक्ट है, इसमें थोड़ा सा आपको टिंट या फिर थोड़ा सा कवरेज भी मिलता है. तो अगर आपके अंडर आईज पे डार्क सर्कल है तो ये उसे हाइड कर देगा. इसके बाद हम लोग करेंगे आईब्राउज को सेट. एंड आज मैं जो आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की एक आई शेडो पैलेट है. आप लोग कोई भी नेचुरल कलर के साथ आई शेडो पैलेट को यूज़ कर सकते हो. सो इस पैलेट से मैंने एक ब्राउन शेड को लिया है आईब्राउज को नेचुरली फिल करने के लिए. इस लुक में हमें आईब्राउज के साथ बहुत कुछ नहीं करना है, उसे बस नेचुरली फिल कर लेना है. एंड उसके बाद मैंने सेम जो पैलेट था उससे एक लाइट ब्राउन शेड लिया है एंड उसको मैं यूज करूंगी आईज के क्रीज लाइन पे एंड आउटर कॉर्नर पे. सो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, बहुत नेचुरल लुक चाहिए. बट इसे ऐड करने से क्या होगा, आपकी जो आईज है ना उसकी डेप्थ और भी ज्यादा होगा और भी अच्छी लगेगी. फिर मैंने सेम आई शेडो को थोड़ा सा नीचे अप्लाई कर लिया है. इसके बाद सेम पैलेट से मैंने एक व्हाइट कलर की शेड को पिक किया है. तो अगर आपके पास आई शेडो पैलेट में व्हाइट कलर या फिर स्किन कलर की आई शेडो नहीं है तो आप लोग कोई भी आपके कॉम्पैक्ट की हेल्प से इस तरीके से अपने आई शेडो को ब्लेंड एंड सेट कर सकते हो. मुझे थोड़ा सा म्यूटेड कलर चाहिए था इसलिए मैंने इसे यूज किया. फिर मैं यहाँ पे यूज करूंगी एक लाइनर. तो ये जो लाइनर है ये वाटरप्रूफ लाइनर है मेबिलिन की एंड इसकी हेल्प से मैं बस एक स्मॉल विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर लूंगी. ज्यादा कुछ नहीं करूंगी यहाँ पे मैं कोई भी बोल्ड आईलाइनर लुक. फिर मैं यहाँ पे यूज करूंगी एक मस्कारा. ये जो मस्कारा है ये मेबिलिन की मस्कारा है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है. सो क्योंकि नेचुरल लुक है हम लोग कोई भी फॉल्स आईलैशेस को अप्लाई नहीं करेंगे तो बहुत सारा मस्कारा यूज करना है हमें यहाँ पे. फिर मैंने क्या क्या है इनर कॉर्नर्स को ना थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है आई मेकअप पे. सो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप लोग इसे आसानी से स्किप कर सकते हो. फिर हम लोग यूज करेंगे लिपस्टिक. यहाँ पे मैंने एक पिंक कलर को चूज किया है, न्यूट पिंक कलर जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है. आप लोग कोई भी न्यूट ब्राउन या फिर पिंक कलर को यूज कर सकते हो. एंड मैंने ना सेम शेड को थोड़ा सा अपने हैंड्स के बैक पे ले लिया है. फिर उसको मैंने अपने फिंगर्स के हेल्प से चिक पे एज ए ब्लश अप्लाई किया है. एंड नेचुरल मेकअप या फिर नेचुरल लुक के लिए ना मैं पाउडर ब्रश की जगह पे इस तरीके से लिपस्टिक या फिर लिक्विड ब्लश को यूज करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ. एंड इसके साथ हमारा जो लुक है वो कंप्लीट हो चुका है. आप लोग देखो कितनी सिंपल एंड नेचुरल एक लुक है ये. आप लोग इसे कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं पे भी वेयर कर सकते हो. एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी. अगर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना. एंड अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम के लिए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल बटन को हिट करना मत भूलना. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.